ये मूवी बनाना कुछ और चाह रहे थे और इनसे मूवी बन कुछ अलग गई। कभी आपको लगता है कि ये मूवी हिंदी वर्सेस इंग्लिश का नैरेटिव है, कभी आपको लगता है कि ये मूवी जर्नलिज्म को टारगेट कर रही है कि कैसे फॉल्स रिपोर्टिंग करी जाती है न्यूज़ की, न्यूज़ चैनल की, पत्रकारों की, और कभी आपको लगेगा कि ये एक इन्वेस्टिगेशन ड्रामा मूवी है। चलो वो इन्वेस्टिगेशन का भी ठीक है, लेकिन बाकी सारे इतने सारे चीज़ें उन्होंने डाल के उन्होंने मूवी बनानी थी द साबरमती रिपोर्ट के बारे में, लेकिन बन गई द साबरमती रिपोर्ट और उसके साथ कुछ और भी सारे चीज़ें जो कि इस मूवी को एक एवरेज सी मूवी बना देता है, और कुछ भी चीज़ें ये मूवी ढंग से नहीं कर पाती है। विक्रांत मासी एक रिपोर्टर का रोल प्ले करते हैं। वैसे ये स्टार्टिंग में रिपोर्टर भी नहीं होते, ये कैमरामैन होते हैं जो मूवीज वाले सेक्शन में काम करते हैं, यानी कि कोई मूवी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं तो वहां पे वो एक कैमरामैन के तौर पे जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उन्हें गोधरा का जो इंसिडेंट है वो कवर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। वहां पर वो जाते हैं, वो कवर करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा पता चलता है कि जो रिपोर्टिंग करी गई है उस इंसिडेंट के बारे में वो झूठ करी गई है, और फिर उसके वजह से उनके झगड़े हो जाते हैं, उन्हें कंपनी से निकाल दिया जाता है, वो दारू पीने लगते हैं, वो एकदम नशे करने लगते हैं। और फिर कैसे इस डाउनफॉल के बाद उन्हें कोई एक और कैरेक्टर मिलता है जिसका रोल प्ले किया है राशि खन्ना ने, वो भी सच्चाई के बारे में जानना चाहती है, जो इसके वजह से वो दोनों साथ में इस पूरे सच्चाई का खुलासा करने जाते हैं। यही पूरी मूवी की कहानी है, लेकिन दिस मूवी फेल्स टू इग्नाइट एनी इमोशंस अपार्ट फ्रॉम आखिर के मे बी 10 मिनट कह लो, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी में कोई इमोशंस फील नहीं होते हैं, मूवी में कोई अर्जेंसी भी फील नहीं होती है। विक्रांत मासी एज ऑलवेज उनका एफर्ट पूरा था, उनकी एक्टिंग थी अच्छी इस मूवी में, सेम गोज फॉर राशि खन्ना एंड रिधि डोगरा कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से उनकी एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन द मेन प्रॉब्लम लाइंस इन द नैरेटिव ऑफ दिस मूवी इटसेल्फ। इनको बनाना कुछ और था, इनसे बन कुछ और गया। शायद ये श्योर थे ही नहीं कि उन्हें किस चीज के ऊपर मूवी बनानी है, उन्हें बस इतना पता था कि हमें द साबरमती रिपोर्ट नाम से एक मूवी बनानी है जिसमें हम गोधरा का जो ट्रेन इंसिडेंट हुआ था उस पर फोकस करेंगे, उस पर लाइट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज बताने के लिए जो रास्ता उन्होंने अपनाया है, जिस तरीके की फिल्म मेकिंग उन्होंने करी है, इट वॉज नॉट गुड। स्क्रीन प्ले में कुछ भी जान नहीं है, बीच बीच में फालतू के जोक्स आ जाते हैं। विक्रांत और राशि का कैरेक्टर इस लेवल पर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इस लेवल पर जाके सच का खुलासा करते हैं, आपको लगेगा कि इतना इजी था, इतना इजी कैसे हो सकता है। वैसे मैं कहूंगा कि इस मूवी का इंटेंशन अच्छा था, जिस चीज के बारे में उन्हें बात करनी थी वो अच्छी थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी के ऊपर बात करी वो काफी एवरेज सा था। यानी कि उन्हें जो ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर बात करनी थी, फिर उसके जो भी विक्टिम्स थे उसके ऊपर बात करनी थी, फिर वो विक्टिम्स के पीछे किस तरीके का नैरेटिव सेट करा गया था कि पहले इससे एक्सीडेंट बताया, फिर बाद में पता चला कि नहीं ये एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्री प्लान करके पूरी बड़ी सी साजिश थी, तो ये सारी चीजों के ऊपर उन्हें बात करनी थी, ये सारी चीजों के बारे में उन्हें बात करनी थी। लेकिन एज आई सेड कि जिस तरीके से उन्होंने फिल्म बनाई ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए, वो फिल्म में कुछ जान थी नहीं। कंगुवा मूवी का रिव्यू आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।